नेक्स्ट टॉपिक है बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर। इससे पहले हम अपने सभी शिफ्ट रजिस्टर सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट विद बोथ कंडीशंस, सिंक्रोनस लोडिंग एंड एसिंक्रोनस लोडिंग, पैरेलल इन पैरेलल आउट विद बोथ कंडीशन सिंक्रोनस लोडिंग एंड एसिंक्रोनस लोडिंग, ये सभी हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर पर। बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर, जैसे नाम से पता लगता है, बाई डायरेक्शन जो दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट कर सके। अभी तक हमने जितने भी रजिस्टर प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं वो लेफ्ट टू राइट डाटा शिफ्ट कर रहे थे, लेफ्ट से राइट में डाटा शिफ्ट कर रहे थे। अब हम जो देख रहे हैं वो हम ऐसा शिफ्ट रजिस्टर बनाएंगे जो दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट कर सके डाटा को, लेकिन आपकी चॉइस पर, आप कंट्रोल करो डाटा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है। दैट विल बी इन योर हैंड, आपके हाथ में होगा वो चीज़। इसके फाइनल फेयर डायग्राम के ऊपर जाने से पहले मैं एक बार आपको लेफ्ट और राइट का रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल रफ स्केच बना के दिखाता हूँ। देखिए, लेफ्ट टू राइट का तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तक हम वही पढ़ते आए थे। डाटा यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से नेक्स्ट पे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से नेक्स्ट पे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से नेक्स्ट पे चला जाएगा, और उसके बाद फाइनली डाटा यहाँ से आउट हो जाएगा। ये आउटपुट है और यहाँ क्या था, इनपुट है। दिस इज इनपुट, बिल्कुल सीक्वेंस में डाटा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। ये फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है, ये इनपुट टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल, ये इनपुट, ये आउटपुट टर्मिनल, ये सभी इनपुट आउटपुट इंडिविजुअली हैं। अब देखिए, अब मैं डाटा राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है तो कैसे करूंगा, देखिए उसका थोड़ा डायग्राम देख लो, समझ आ जाएगा आपको। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे वो दोनों डायग्राम आप साइड में बना लेना अपने रफ कॉपी में, उसके बाद वीडियो को आगे देखना, सो दैट आप आगे का सर्किट समझ सको। ये जो डायग्राम मैं अभी बना रहा हूँ ये रफ नोटबुक में बना लेना साइड में। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट, राइट से डाटा लेफ्ट में शिफ्ट करवाना है। ये इसका इनपुट पोर्ट है, ये इसका आउटपुट पोर्ट है, ये इसका इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट, ये इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट, ये इनपुट, ये आउटपुट। ध्यान रखना, ये D3, ये Q3, ये D2, ये Q2, ये D1, ये Q1, D1, Q1, ये D0, ये Q0। जब हम बाई डायरेक्शनल करते हैं तब उस टाइम कोई मैटर नहीं करता आप किस साइड D0 लिख रहे हो, किस साइड D1 लिख रहे हो, किस साइड D2 लिख रहे हो, मतलब वो सीक्वेंस ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हो तो सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हो, लेकिन जब बाई डायरेक्शन करते हो आप किसी साइड D0 रख लो, किसी साइड इंक्रीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब ये शिफ्टिंग कैसे होगी, डेटा यहां से एंटर करेगा, ये इनपुट है, अब इस साइड शिफ्ट करना है डेटा, आउटपुट यहां से आएगी और ये कहां जाएगी, यहां जाएगी, ध्यान रखना ये चीज, यहां से आउटपुट आएगी और ये कहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां से आउटपुट आएगी और वो आउटपुट कहां जाएगी, इसकी इनपुट में जाएगी, और दिस विल बी द फाइनल आउटपुट पोर्ट। एक्चुअल में वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि डाटा यहां से एंटर हो रहा है और घूम के ऐसे जा रहा है, ये ऐसे नहीं है कि आपने यदि ये कान पकड़ना तो ऐसे सीधा ना पकड़ के इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, मतलब इस तरीके से है ये, यहां से इनपुट दी, आउटपुट आई और वो नेक्स्ट पे जानी है तो वो ऐसे इधर जाएगी, यहां से जाएगी तो इधर जाएगी, यहां से आएगी तो इधर आएगी, और ये फाइनली आउटपुट ये आ गया। अब इन दोनों को मुझे इकट्ठा करना है और दोनों को इकट्ठा करके मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसा काम करना है कि दोनों में से यदि जो भी आपका सिलेक्शन हो वही काम करे। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब दोनों में से एक का सिलेक्शन करना हो, आप चाहते हो कि एक टाइम में ये चीज़ काम करे और एक टाइम में ये काम ना करे, तो मैंने आपको एंड गेट का लॉजिक बताया था एक बार, कि एंड गेट एक तरीके से आपका एक डोर की तरह काम करता है, दरवाजे की तरह काम करता है, आप उस डोर को बंद करना चाहो बंद कर दो, डोर को खोलना चाहो खोल, इसका मतलब ये मत समझना कि ऑटोमेटिक डोर्स में एंड गेट लगा होता है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक डोर है ये, आप चाहते हो कि इसको एंट्री देनी है तो दे दो, आप चाहते हो नहीं देनी तो मत दो। कैसे कैसे डोर ओपन क्लोज करोगे, एंड गेट है, यदि इसका एक टर्मिनल मैंने जीरो कर दिया तो Q1
क्या होगा, ए की एंट्री अंदर बंद हो गई, ए अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, वाई की जो आउटपुट आएगी वो जीरो, वाई जीरो आएगा हमेशा ही, ए चाहे कुछ भी रहे जीरो होगा तब भी ए वाई आउटपुट वाई जीरो होगा, वन होगा तब भी वाई जीरो होगा। इसका मतलब ये डोर बंद है, ए की एंट्री नहीं है, ए यहाँ नहीं आ सकता। अब क्या है, यदि मैंने इसको वन कर दिया तो क्या होगा, ये जीरो होगा तो जीरो आ जाएगा, ये वन होगा तो वन आ जाएगा, जो भी होगा ये आउटपुट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जीरो है तो ए बाहर नहीं आ, इधर नहीं आ पाएगा, और यदि ये वन है तो ये बाहर आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का हमने कुछ यूज किया है और इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डायग्राम बना देखोगे बुक में या इस वीडियो के अंदर आप बिल्कुल फाइनल डायग्राम देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसको स्टेप बाय स्टेप देखोगे इस डायग्राम को तो समझ जाओगे कि कैसे बनेगा, अदरवाइज आपको कॉपी करना पड़ेगा सारा, समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखो इसको। सबसे पहले आपने क्या किया, चार फ्लिप फ्लॉप बना लिए, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं क्योंकि हमें ऊपर काफी काम करना है। वन टू थ्री और फोर, प्रीसेट 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 प्रीसेट, क्लियर 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 क्लियर। सबकी क्लॉक लगा दी मैंने, सभी की क्लॉक, क्लॉक आ गई सभी का, सभी के इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल, इसको मैं लिखता हूं डी एफ एफ थ्री, डी एफ एफ टू, टी फ्लिप फ्लॉप वन और डी फ्लिप फ्लॉप जीरो। हेयर दिस इज क्यू थ्री, दिस इज क्यू थ्री बार, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू वन बार, दिस इज क्यू नॉट बार, सॉरी क्यू थ्री क्यू टू आएगा, सॉरी क्यू टू बार, क्यू टू बार, क्यू वन बार, क्यू नॉट बार। ओके ये सभी हो गए, ये पॉइंट डी थ्री है, ये डी टू है, ये डी वन है और ये डी नॉट है। अब मैं, अभी तक का काम तो कोई मुश्किल नहीं था, ये तो मैंने चार फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं और जस्ट उनकी क्लॉक मैंने आपस में कनेक्ट कर दी और कुछ काम अभी तक मैंने नहीं किया, अब मेरा काम शुरू होता है। अब क्या करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक सर्किट बनाऊंगा और वो सर्किट क्या होगा, एक और गेट, उसके बाद क्या होगा, एक एंड गेट और एक एंड गेट यहां, ऐसा सेट मुझे हर एक पे लगाना है, जैसा सेट मैंने यहां लगाया ऐसा सेट मुझे हर एक पे लगाना है, एक एंड गेट, दो एंड गेट सॉरी, और दोनों आके एक और गेट में आएंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, इसको मैं ए जीरो लिखता हूं, इसको मैं ए वन लिखता हूं, इसको मैं ए टू लिखता हूं और इसको मैं ए थ्री लिखता हूं, ए थ्री, इसको थोड़ा साइज, इसको मैं B3 लिखता हूं, इसको मैं B2 लिखता हूं, इसको मैं B1 लिखता हूं और इसको मैं B0 लिखता हूं। आपको
जब थ्योरी एक्सप्लेन करोगे तब इजी होगा और मुझे भी आपको एक्सप्लेन करने में इजी होगा। नेक्स्ट, इसको मैं G3 लिख देता हूं। G3 मींस गेट 3, इनका कुछ नाम देना था मुझे, मैंने नाम दे दिया G3। इसको G1 लिख दे, G2 लिख देता हूं, इसको G1 लिख देता हूं और इसको G0 लिख देता हूं। ये सभी के मैंने नाम दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इनका जो एक एक टर्मिनल आपने सभी का, ए का सभी का इकट्ठा कनेक्ट कर दिया और बी का सभी का एक साथ कनेक्ट कर दिया। ए का 1-1 टर्मिनल आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया और बी का टर्मिनल एक एक आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये मैं ऊपर से ही ले लेता हूं, इजी हो, नीचे तो और भी बहुत लाइन जानी है। यहां ले लिया एक, यहां ले लिया 1-2 और एक यहां ले लिया। ठीक है, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि जब ये ए सेट काम करे, ए सेट मतलब चारों ए, जब ये ए सेट काम करे तब बी सेट काम ना करे। बी सेट का मतलब चारों गेट जिन पे बी लिखा हुआ है, तब वो काम ना करे। और एंड गेट को काम ना करवाने का मतलब क्या है, एंड गेट के एक टर्मिनल को 0 दे दो, वो काम नहीं करेगा, ये समझ लो। या मैं ये कह सकता हूं, जब ए वाले डोर्स ओपन हो तब बी वाले डोर्स बंद हो। इसका मतलब क्या है कि जब इन कॉमन टर्मिनल के ऊपर, जब ए के ऊपर जब 0 दिया जाए उस टाइम बी के ऊपर 1 हो, और जब बी के ऊपर 0 दिया जाए तब ए के ऊपर 1 हो, जैसा मैंने मास्टर स्लेव में किया था। जब मास्टर ऑन था तो स्लेव ऑफ था, कुछ इस टाइप का। तो वही लॉजिक लगाया है कि जब ये ऑन है उस टाइम ये ऑफ है, और ऑफ दिखाने का लॉजिक क्या है, ऑफ दिखाने का तरीका क्या है कि इसके और इसके बीच में नोट लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। आप ये चाहते हो जब ये ऑन है उस टाइम ये ऑफ हो, बस हो गया कनेक्शन। हो सकता है आप अपनी बुक में देखो तो इसमें कुछ वेरिएशन मिल जाए। क्या वेरिएशन मिल सकता है कि हो सकता है उसने ए के ऊपर नोट लगा के लगा रखा और बी के ऊपर डायरेक्ट लगा रखो, ऐसा हो सकता है। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट के या राइट टू लेफ्ट में फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा। कि लेफ्ट टू राइट अब हो सकता है मैं 0 पे कर रहा हूं और वो हो सकता है 1 पे कर रहे हो, लेकिन काम तो दोनों ही होने हैं। तो ये किसी बुक में डिफरेंस मिल सकता है थोड़ा इतना। मींस एक के ऊपर डायरेक्ट इनपुट जाएगी, एक के ऊपर नोट जाएगी, वो आपकी मर्जी है किसके ऊपर आप डायरेक्ट दे रहे हो, किसी किसके ऊपर आप थ्रू नॉट गेट दे रहे हो। ये मैंने लगा दिया। अब तक हमारा काम इनपुट का काम नहीं हुआ, अभी मैंने इनपुट नहीं दिया। फिलहाल मैं इसको, इस टर्मिनल को लिखता हूं शिफ्ट कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल लिख लो। इसको मैं लिखता हूं एक मिनट, इसको कहां से कंट्रोल करूं, इस नाम को मैं इस साइड लिख देता हूं, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर। और यहां मैंने क्या किया, इसको मोड कंट्रोल लिख लिया, मोड कंट्रोल, ये मोड कंट्रोल बन गया। अब देखिए, अब बस मुझे पाथ बनाना है और कुछ नहीं करना। पाथ बनाना है तो क्या क्या करूंगा मैं, यहां से डाटा एंट्री पॉइंट बनाऊंगा मैं एक, वो डाटा यहां जाएगा और वो डाटा यहां से आके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एंटर कर जाएगा। यहां वो यहां आएगा, अब मैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा हूं, यहां आएगा, यहां से आउटपुट पर आके वो यहां ए में एंटर करेगा, ए पर एंटर करेगा, और यहां आके वो उसके बाद एंटर कहां करेगा, यहां करेगा, और उसके बाद वो यहां से जाके फाइनली यहां से डाटा आउटपुट आ जाएगी। और मैं यहां लिखता हूं एल लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सीरियल आउटपुट पोर्ट, मैंने यहां लिखा लेफ्ट टू राइट सीरियल आउटपुट पोर्ट।
मीन्स लेफ्ट टू राइट जब शिफ्ट होगा तो आउटपुट वहां मिलेगा आपको। और यहां मैं लिखता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल टू आर लिख रहा हूं मैं, एल टू आर सीरियल इनपुट पोर्ट, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा हाफ काम हो गया। अब दूसरा हाफ काम देखिए, आपने राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है। राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहां से डाटा चलेगा और वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। एक मिनट, डाटा एंटर कहां से होगा, डाटा एंटर यहां से होगा, डाटा एंटर कहां से होगा, यहां से होगा। तो ये क्या होगा, डाटा एक मिनट सॉरी, डेटा एंट्री यहां से होगा, यहां से नहीं होगा, यहां से होगा। दिस इज राइट टू लेफ्ट आर टू एल, राइट टू लेफ्ट इनपुट पोर्ट। अब ए को भूल जाओ, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सिर्फ ए का काम है, बी का कोई काम नहीं है। देखो मैंने बी कहीं यूज नहीं किया। जब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो तब उस टाइम ए का कोई काम नहीं है, सिर्फ बी का काम है। यहां से डाटा एंटर करेगा, यहां से डाटा एंटर करने के बाद यहां से एंटर होके वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और यहां से निकलने के बाद वो उसको दोबारा कहां जाना चाहिए, B1 पे जाना चाहिए। तो मैं डाटा को B1 पे लेके जाऊंगा, कहां से, B1 पे ले आया, ठीक है। उसके बाद वो आउटपुट कहां से आएगी, यहां से आएगी, और ये आउटपुट आने के बाद ये कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, और कहां जाएगी, इस पे जाएगी। यहां से एंटर होने के बाद आउटपुट कहां से आएगी, यहां से आएगी, और वो जाएगी कहां से, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप कहां है, ये है। और फाइनली जो आउटपुट आएगी वो कहां आएगी, वो यहां आएगी, इस पे। ऊपर मैं लिख देता हूं राइट टू लेफ्ट, यहां मेरे पास जगह है, पूरा लिख देता हूं, राइट टू लेफ्ट आउटपुट पोर्ट, पूरा डायग्राम बन गया। अब यदि इसको कंप्लीट डायग्राम यदि आप बना हुआ देखते तो आपको समझ नहीं आता। अब मैंने एक डायग्राम बनाया है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूं। जब ये जीरो होगा, जब मोड कंट्रोल जीरो होगा, उस टाइम क्या होगा कि ए सेट काम नहीं करेगा, क्योंकि ए सेट के अंदर डायरेक्ट जा रहा है, ए सेट काम नहीं करेगा, बी सेट काम करेगा। अब ए सेट को भूल जाओ बिल्कुल, कि ए सेट है ही नहीं। ए सेट का मतलब ए वाले जो एंड गेट्स हैं वो है ही नहीं, भूल जाओ उनको, सिर्फ बी वाले सेट है, बी वाले गेट्स हैं। इट मींस उस टाइम जब ये मोड कंट्रोल जीरो होगा, ये मैं लिख देता हूं मोड कंट्रोल जीरो फॉर राइट टू लेफ्ट, जीरो होगा तो इसका मतलब डेटा राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। और वन होगा तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट। मैंने बताया मोड कंट्रोल जब जीरो है तो ए सेट काम नहीं करेगा पूरा, बी सेट काम करेगा। इसका मतलब डेटा यहां से एंटर होगा, यहां से बाहर आएगा, और यहां से बाहर आके यहां चला जाएगा इनपुट में, और यहां से फिर एग्जिट होगा, यहां से फिर जाके यहां से एंटर हो जाएगा, यहां से आएगा, यहां से आके फिर वापस फिर नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, और यहां से जाके फिर यहां से फाइनली राइट टू लेफ्ट आउटपुट आ जाएगी। जब ये वन है, मोड कंट्रोल वन होगा, तो इट मींस बी सेट के ऊपर जीरो जाएगा, तब बी सेट के ऊपर जीरो जाएगा, ए सेट के ऊपर वन जाएगा। ए सेट का मतलब ए एंड गेट सारे जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है। इट मींस ये समझ लो बी जैसे लगे ही नहीं हुए, बी काम ही नहीं करेंगे, बी जैसे काम नहीं करेंगे। इट मींस क्या होगा, ए सेट काम करेगा। इसका मतलब क्या होगा, डाटा एंट्री यहां से होगी, एंट्री यहां से होगी, और एग्जिट यहां से होके दोबारा यहां से इन हो जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से होके दोबारा इन यहां हो जाएगा।
यहाँ से जाके यहाँ से एग्जिट होके यहाँ इन हो जाएगा, और यहाँ से जाके एग्जिट होके यहाँ फाइनली में आपको लेफ्ट टू राइट सीरियल आउटपुट पोर्ट मिल जाएगा। ये बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है, इसकी वर्किंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मोड जीरो है तब क्या होगा, मोड कंट्रोल वन है तब क्या होगा, वो सारा चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाई यूजिंग ए एंड बी सेट। इनको एक्सप्लेन करो और उसके बाद जी को एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।